우리 겨와대 I guess इसकी ट्रेनिंग अभी काम आए। वाह। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज परम, आई एम हरमन, आई एम मंजोत। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आवर टुडेस रिएक्शन इज ऑन दिल्ली सेंट्रल सीजन 1 एपिसोड नंबर 30। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस न्यू एपिसोड। जैसे कि ये एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मार्कोस का कत्ल करने वाले हैं एर्थ्रुल, क्योंकि वो उनके रास्ते में अड़चन डाल रहा था पेट्रोशियो की वजह से, क्योंकि पेट्रोशियो ने उनको मार्कोस को भेजा था कि एर्थ्रुल को रोको जाके एंड असमा का कत्ल करो, बट एर्थ्रुल उसका गला काट देंगे आज, तो मजा ही आने वाला है देखने के लिए। और ये भी देखने वाला है कि जो एर्थ्रुल हैं और उनके जो साथी हैं वो अलग पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे और वो असमा को लेके कब जाएंगे वहाँ पे। आई थिंक उसका नाम असमा ही है ना, भूल जाता हूँ, वो जो बंदी है जो सलेबी है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वहाँ पे जाके वो बयान देगी तो जाके फिर शाहबुद्दीन की बेगुनाही साबित होगी एंड उधर से वो अलजीज हलीमा के साथ शादी बनाने के लिए सोच रहा है। अभी हलीमा मानेंगे नहीं मानेंगे वो भी देखने वाला है। ऊपर से अलजीज काय कबीले पे आक्रमण मतलब अटैक करने वाला है वहाँ पे, अभी देखना है कि वो करेगा नहीं करेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आई होप आप एंजॉय कर ही रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। ये बुड्ढन का क्या करेंगे इर्थ्रुल आज, खात्मा होगा जिसका जानू वासी होगा। अभी घोड़ा छोड़ देंगे लगता है। अरे क्या बात है। किसी को तो लगी है चोट शायद से। संदीप भी नहीं मारा था किसी को।
मतलब अस्मा सच बता उसने बता दिया सारा कुछ। इसकी ट्रेनिंग अभी काम आए। वाह कैसे उतारा उसको वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद तशरीफ रखिए
एलर्जीज सॉरी शाबू शाबू जी के टाइटोस है टाइटोस है टाइटोस और कारा खुद तो वो कारा तो इधर का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया हाँ कैटल बहुत अच्छे हैं उनकी जो सोच है ना कर क्या रही है घोड़े के साथ बांध रही है घसीट के लेके जाएगी शायद उसे राशि रखने के लिए बहुत जरूरी है
इसको भी मारेंगे। मुझे लगा जो काम आपसे नहीं हो रहा है घोड़े ही कर लेगा। मुझे तुर्गुत के बारे में उगलवाना है किसी भी तरह। दिमाग खराब है तुम्हारा, बहुत हो गया। अंदाजा है क्या कर रहे हो? जिंदा रहेगा तो कुछ मालूम कर सकेंगे हम इससे। कैसे मालूम करेंगे आप? नहीं बोलेगा ये जिंदा रहे या मर जाए हमारे किसी काम का नहीं। अरे बमसी क्या किस किसी को भी जीना आराम कर सकती है। मिस्टर लाल छोटू मेरे ख्याल से जल्द अजल्द अगले एहतराम कार्डिनल आप यकीन कीजिए शहजादे की बेटी हलीम और अल अजीज की शादी के लिए मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार है। मुझे लगता है कि तुम्हें अल अजीज बेटी तो खुद हो किया।
पहुंचे नहीं क्या अभी तक अलग बंदी को लेके? आमिर और अजीम गीत को कैसे लेके आएगा ये बंदा? लड़ते रहते हो मार्कोस से तो काम हो जाएगा अपना। अब आएगा मजा क्योंकि ये बोलेगा कि अपने को
सेलेक्ट करके जंप कर है ना। बहुत मजा आता है। लेकिन उनके चमचों की तादाद तो सिर्फ 2000
इसके बाल क्यों काट रहे हैं? उससे क्या होगा? इसके पीछे तो नहीं भेजेंगे किसी को कि उसका रास्ता पता चल जाए महल का? वो भी जब तक नहीं भी हो सकता, पता नहीं, देखना। तो अभी भी हलक नहीं रहेंगे, थोड़ा टाइम लगा के रहेंगे ना। देखने वाला यार, हलक कब जाएंगे, बहुत मजा आएगी। पेट्रोशियो टाइटस ने भेजा, नहीं तो नासिर ने भेजा होगा। अरे वही ना, वो ये शादी के लिए जरूरी है ना।
को दवाई दे दी कि उसकी पूरी मेमोरी खराब कर दी है ना। सब कुछ भुला दिया यार। तो खुद को कुछ याद नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। ये था हमारा रिएक्शन ऑन दिल्ली सेंट्रल सीजन 1 एपिसोड नंबर 30। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बहुत ही बेहतरीन था, बहुत मजा आया देख के। बिकॉज स्टार्टिंग में जो फाइट हुई एट्रुल और सलेबियो के बीच में बहुत मजा आया। मार्कोस को बंदी बना लिया था और बाकी सबको उड़ा दिया था उन लोगों अपने मतलब अपने बंदों ने सबने सलेबियो को मार दिया था। तो बहुत मजा आया देख के। एंड उन्होंने इंसानियत भी दिखाई बट थोड़ी सी आक्रोश में अभी थी आई के सना तो बट अभी वो सुधर गई है। अभी उन्होंने मार्कोस को छोड़ दिया है कि तू वहीं जा अपने पापे आजोनी क्या नाम उसका पेट्रोशियो के पास और मतलब उसको इसलिए भेजा है क्योंकि उनको महल का रास्ता पता चल जाएगा और उसके पीछे कौन हमजा और आई के गए हैं तो अभी महल का रास्ता पता चल जाएगा। और उधर से जो हलब में महल में आमिर अल अजीज जो हलीमा से बात कर रहे थे और उन्होंने बोला हलीमा ने आमिर अल अजीज
सीरीज को मैं आपसे तभी शादी करूंगी अगर आप ये गिफ्ट को वापस लेके आएंगे। और ऑब्वियसली ये गिफ्ट सलेबियों के पास है और सलेबी चाहते हैं वो दोनों शादी करें, तो इसकी वजह से वो छोड़ देंगे। तो नासिर ने कहेगा हमको चाहिए होगा, तो फिर अभी वो छोड़ रहे हैं ये गिफ्ट को। अभी देखना है कि क्या होगा, उनकी शादी कब होगी, कैसे नहीं कैसे नहीं। और इर्तुल को जब पता चलेगा तब वो क्या करेंगे। और अफसल पाशा भी वहाँ पे हैं। हाँ भाई हाँ। अभी बहुत मजा आ रहा है। एग्जैक्टली फिरोज़ का महल है, उसमें इज़ाडोरा को मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल लगेगी कि ये गिफ्ट जा रहा है यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा वो अकेली पड़ जाएंगी। एंड आगे आगे क्या होगा, मतलब वॉर होगी उनके बीच में, तुर्गुत भी कब छूटेंगे एंड कब सब कुछ ठीक होगा, बहुत ज़्यादा इंतजार है हमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शर्मा, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।